आज मैंने बनाया है चावल की गोझा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऑयल के इस्तेमाल नहीं है और ये चावल से बना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। गोझा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चावल का आटा, 1 कटोरी मसूर दाल मैंने लिया है, आप चाहे तो चने की भी दाल ले सकते हैं। और मैं इसे 2 से 3 घंटे पानी में भिगो लेना है, उसके बाद हमें इसे बिना पानी डाले मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। मसूर को दाल को हमें इस तरह पीसना है, बिल्कुल मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, इसको दरदरा पीसना है। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, जीरा लहसुन और हरी मिर्च इन तीनों को हमें दरदरा पीस लेना है। चलिए सबसे पहले हम चावल के आटे को गूंद कर रख लेते हैं और मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और ये मैंने पानी गुनगुना किया हुआ है, मैं इसी से इसको गूनूंगी। ये देखिए मैंने चावल के आटे को गूंद लिया है। ये आटा इतना मेरा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। जब तक हमारा आटा फर्मेंट हो रहा है तब तक हम दाल में ये जीरा और ये जो लहसुन और हरी मिर्च मैंने कूटा है ये मिक्स कर लूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे और इन सब को मिक्स कर लेंगे। अब ये आटा तैयार हो चुका है, तो चलिए हम गोझा बना लेते हैं। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी लिया है चावल का, थोड़ा सा हाथ में ऐसे करने के लिए, फिर चिपक जाता है ये आटा। ये देखिए हमें इस तरह से गोझा बनाना है, पहले थोड़ा सा हाथ में सूखा आटा लगाना है, उसके बाद इसमें से छोटी सी लोई तोड़ना है और इसको गोल करना है इतना बड़ा, और फिर हमें पूड़ी के जैसे इसको ऐसे दबाएंगे तो हो जाएगा बस। और फिर हमें इसके बीच में ये फिलिंग रखना है। अब फिलिंग रख के हमें हल्का सा ऐसे दबा देना है। ये देखिए कितने अच्छे शेप में हो गया ये गोझा। इसी प्रोसेस से हम एक और बनाते हैं। इसे गोल करना है, तो पूरी के जैसे इसको हाथ से दबाएंगे तो थोड़ा सा दबाएंगे हल्का हल्का तो ये हो जाएगा। ऐसे साइज में कर लेना है ताकि इसमें फिलिंग हम भर लें। ऐसे हल्के हल्के दबा देना है हल्के हाथों से। देखिए इसी प्रोसेस से हम सारे गोझे बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे गोझे बना के रेडी कर लिया है। अब मैं इसको स्टीम दे देती हूँ। पहले एक जाली वाला थाली लेंगे और इसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। फिर एक एक करके इस थाली में रख देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें रखना है।
सारे गोझों को हमें ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे रखना है ताकि आपस में चिपके ना और अच्छे से पक जाए। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें से हल्का वाफ भी आने लग गया है और ये जाली वाला थाली मैं इस पे रखूंगी और इसको ढक लूंगी। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक स्टीम होने देना है ताकि ये अच्छे से पके और 20 मिनट बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे ताकि पका है कि नहीं। 20 मिनट हो गया है, आइए चेक कर लेते हैं हमारा गोझा पका है कि नहीं। हम इसको फॉर्क से चेक करेंगे ऐसे, ये बिल्कुल सूखा निकल रहा है यानी कि हमारा गोझा अब पक चुका है। तो हम गैस ऑफ कर लेते हैं। गैस ऑफ करके 2-4 मिनट और हम ढक के रख लेंगे। ये देखिए हमारा गोझा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए गोझा को मैंने एक थाली में परोस लिया है और आप इसको सांबर के साथ खाइए। सांबर के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं सांबर की विधि इसके साथ आप लोग को इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसको इसका वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। सांबर बनाने की विधि मैं किसी दिन और आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।